के काम करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास है त्रिपुरा को कम समय में टूरिज्म में बहुत आगे लेके जाना है, उस दिशा में हमने ऊनकोटी के बारे में बातचीत की, छगुमेरा के बारे में बातचीत की, हमने माताबारी के बारे में, हमारे पीलाक के जो हमारे स्थापत्य चित्रकला निदर्शन है उसके बारे में बातचीत हुई, हमारे जो मैत्री सेतु बना उसके बाद कक्ष बाजार तक जाना टूरिस्ट जा सकता उसके बारे में डिटेल्स बात हुई, तो हमारे जो नया न्यू एयरपोर्ट है जो कि आपको बिना टच स्कैनिंग के माध्यम से चले जाएंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगा, बोले अच्छा त्रिपुरा में ये चल तैयार हो गया, तो त्रिपुरा एक नतून दिशा में चल रहा है, तो उस पूरे विषय में मैंने उनसे अवगत कराया और उन्होंने भी इस विषय को जानकारी पूरा ली और कल्चरल हब के बारे में मैंने उनको बोला कि त्रिपुरा कल्चरल एक स्ट्रांग रिच कल्चरल स्टेट है और नॉर्थ ईस्ट को मिला के एक कल्चरल हब बने, हम लोग 8 सिस्टर है यहाँ सिक्किम को लेकर, तो हमने 15 फाइनेंस कमीशन में 200 करोड़ का प्रावधान भेजा था, तो हमने उनको वही विनती की जो आप बात करिए फाइनेंस में जो हमारे कल्चरल हब के लिए दे, तो क्या होगा नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट के सब मिला के जब यहाँ कल्चरल हब होगा तो कल्चर लोगों को जोड़ के रखता है, कल्चर लोगों को जोड़ के रखता है, तो वो त्रिपुरा में होगा तो हमारे पूरा नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा जोड़ के रखेगा, तो वो उस दिशा में सर मेरा ही नहीं लाभ होगा, मेरे स्टेट का ही नहीं लाभ होगा, पूरे नॉर्थ ईस्ट का लाभ होगा, इससे हमारी यूनिटी आएगी, हमारे सोच एक जगह में डेवलप होगी, तो हमने उनसे वो विनती की, मुझे पूरा विश्वास है भारत सरकार से ये सब हमको कम समय में मिला। सर आपका जो ये सुन के उनका क्या राय था? उनका पॉजिटिव राय था, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्री है और आज के दिन में त्रिपुरा के लिए अच्छा है, दो दो केंद्रीय मंत्री है, दोनों का नाम है अर्जुन है, दोनों ही अर्जुन है, दोनों ही अर्जुन आए हैं, तो अर्जुन का बाण विफल होता नहीं, तो इसलिए मुझे विश्वास है अर्जुन मेघवाल जी और अर्जुन मुंडा जी दोनों आज आए हैं और इससे त्रिपुरा को डेवलपमेंट में जो हमने काम शुरू किया था उसको बल मिलेगी, लाभ। सर उस दिन पहले डेंटा प्लस के लिए जो राज्य सरकार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस दिन मिला बोला था 38 लोगों को अभी मिला 138, तो आज इसको लेके कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल। देखिए इसमें जो डेल्टा प्लस इसमें एक पैरामीटर होती है, ये जो हमने टेस्ट करने के लिए कल्लानी में दिए है तो पैरामीटर के ऊपर वो जैसे 1.664 ऐसा करके पैरामीटर होती है, तो समय समय पर उसका चेंज भी होती है। ये जो आपके मान के चलो 7 दिन बाद 15 दिन पहले जो जो बैरियर बना रहता है वो 15 दिन बाद वो चेंज भी होती है, तो उसी हिसाब से भारत सरकार ने इसका स्पष्टीकरण दिया है टीएबी के माध्यम से, तो जो भारत सरकार तय करते कि कोविड के बारे में भारत सरकार पूरा मॉनिटरिंग करती है और हम लोग यूनाइटेडली उसको मानते हैं, तो इसको मान के चलिए जो कोविड की स्थिति में बहुत कुछ एक समय क्या होता था, हम लोग जो कोविड पहला हुआ था आप याद करो हमारे साथ कोई बैठा है तो उनके साथ लगे कौन कौन बैठे थे हम पूरा ढूंढते रहते हैं, तो आज इस दृष्टि से नहीं करते हम, साथ भी रहता अभी कोविड जैसे मेरे यहाँ काम करने वाले मेरे साथ मेरा अपॉइंटमेंट बनाता है तो जो कोविड प्लस हुआ कोई मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ किंतु फर्स्ट वेव में तो ऐसा नहीं होते थे, तुरंत आप भी 15 डेज में चले जाओ क्वारंटाइन में जैसे होती थी, तो सब कोविड विधि निधि ये सब समय के साथ और जितना डेवलप हो रहा है हमारे टेक्नोलॉजी जो हमारे साइंटिस्ट तो चेंज होता रहता है, तो इसलिए मुझे बस इतना ही त्रिपुरावासी को त्रिपुरा लोगों के अपना दिमाग में बोला जो सेफ थकून भालो थकून सुस्थ थकून भय पावर कौन किचु नहीं किंतु किंतु उन जगहटा मेनटेन करा সাবধানতা মেনটেন করে বাস আর বাকি ত্রিপুরা সরকার কাজ করছে ত্রিপুরাতে ভ্যাকসিনেশন সবচেয়ে হাইস্ট হচ্ছে ত্রিপুরার রেল ব্যবস্থা আমাদের যাই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে আমাদের আশাকর্মী থেকে নিয়ে সমস্ত ডাক্তাররা কাজ করছে 24 ঘন্টা এবং তার রেজাল্টও আসছে ত্রিপুরাতে ফ্যাটালিটি রেট কম আছে আর পজিটিভিটি রেট 5%-এর উপর হলেও সেটা মেনটেন আছে কিন্তু তাকে কীভাবে জিরোতে নিয়ে যাওয়া তার রাস্তা ত্রিপুরা সরকার তৈরি করছে আর জনতারও তার মধ্যে সহযোগিতা রয়েছে। থ্যাংক ইউ। অর্জুন মুন্ডাজিকে সাধুবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই, উনি
झारखंडर विकास मध्य वनर विकास यज्ञ वनर समय शुरू हो परवर्ती समय आप देखे झारखंड रास्ता हक पानी जल व्यवस्था हक यगल आदरणीय मंत्रीजी जो सीएम चीफ मिनिस्टर छे तक शुरुआत कर और एखी केंद्रीय मंत्री ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री देखें माननीय प्रधानमंत्री निर्देश अनुसारे पूरा देशव्यापी काज करछेन अपनारा तार साक्षी जो 25 बछर क्रमागत एखाने एकटा सरकार छिलो एकलव्य विद्यालय मात्र 3 स्कूल एखाने छिलो आज के जो एकलव्य विद्यालय जो पैटार्न पुरनो एकलव्य विद्यालय पैटार्न चेये सम्पूर्ण आलादा एटा कमप्लीटली नवोदय विद्यालय स्टाइल कमप्लीटली रेजिडेंशियल स्कूल्स और आगे 16-17 कोटी टाका खर्चा करे से स्कूल निर्माण करा हुआ और आज के त्रिपुराते जे नव एकलव्य विद्यालयगुलो तैरि होच्छे सेगुलो सबगुलो पहाड़ी अंचल तो पहाड़ी अंचले एक एक स्कूलेर जोन्नो 48 कोटी टाका 15 स्कूल ऑनगोइंग प्रसेस चलछे तो एक बार हिसाब करुन 15x48 crore एगुलो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट थेके अर्जुन मुंडाजी नेतृत्वे जखन उनी मंत्रालय नियेछेन तखन गिये सेगुलो होयेछे त्रिपुरार जन्य तार जन्य आमी ओनाके अनेक रकम धन्यवाद जानाई जेखाने त्रिपुराते एक समय एओ 16 कोटी टाका प्रोजेक्टे सेगुलो मात्र 3 स्कूल और आज के 15 स्कूलेर शिलान्यास होये गेछे काज चलछे टोटाल 18 आमादेर एखाने नतून करे एकलव्य विद्यालय पे माननीय मंत्री महोदय के एक बार रिक्वेस्ट करो 3 एकलव्य विद्यालय जो उन्नी तो एकटार विषय तत्नाद बोले दिए गंगानगरे जेखने ब्रू भाई के सेटलमेंट करा विभिन्न जगहते वो बड़ मात्रा सेटलमेंट करा तो वोने एक जाते तर स्कूल वाला जीते पर स्कूल तो उन्नी तत्नाद बोले से निश्चित होम मिनिस्टर संगे टेकअप कर देखब আমি আশা করি উনি একবার যখন বলেছেন ত্রিপুরার মানুষের জন্য নতুন করে আরেকটা ব্যবস্থা হবে আর বাকি বিষয়গুলো ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রির মাধ্যমে কিভাবে ত্রিপুরার জনজাতিদের তার জীবনমান উন্নয়ন করা যেতে পারে এটা অর্জুন মুন্ডার চাইতে বেশি কেউ জানে না কারণ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন একজন মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে ডেভেলপ করতে হয় তার প্যারামিটার সমস্ত কিছু ওনার জানা আছে আমি আশা করি ওনার নেতৃত্বে যে মিনিস্ট্রি চলছে ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে তাতে ত্রিপুরা লাভবান হবে এবং আমাদের যে স্বপ্ন জাতি জনজাতি সবাইকে মিলে ত্রিপুরাকে নতুন অবদাতে নিয়ে যাওয়া আমরা সেই দিশাতে স্কুলগুলি কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনি কী মনে করেন উপজাতিদের মধ্যে মানে শিক্ষা কী রকম বিস্তার হতে পারে আর কর্মসংস্থানের কী ব্যবস্থা হচ্ছে দেখুন কর্মসংস্থান স্কুলগুলোর মধ্যে স্বাভাবিক এখানে সেখানে টিচার আসবে ব্যবস্থা হবে এখন যে বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে তার মধ্যেও কর্মসংস্থান হচ্ছে কেউ না কেউ কন্ট্রাক্টর করবে কেউ ভিট দেবে বালি দেবে এ তো কর্মসংস্থান যে কোনো ডেভেলপমেন্টের কাম যখন কোনো কাজে হয় রাজ্যে হয় তখন সেখানে জিডিপি বাড়ে তো রোজগার বাড়বে যে কোনো কিছু একটা ছোটো শৌচালয় যদি নির্মাণ করি তাতেও রোজগার বাড়বে তাতেও জিডিপি বাড়বে আর 48 কোটি টাকার একটা কাজ হবে একটা জায়গাতে স্বাভাবিক সেখানে রোজগার বাড়বে তো এটা তো আন্ডারস্টুড বাকি ত্রিপুরার জনজাতিদের জীবনমান উন্নয়ন এডুকেশন জীবনমান উন্নয়ন করবে তো জীবনমান উন্নয়ন করা এবং তাদেরকে মেইন স্ট্রিমে নিয়ে আসা সেই বরাবরিতে পৌঁছে দেওয়া একটা হচ্ছে কোটা ফিক্স করে দেওয়া যায় যেমন এসটির জন্য একটা কোটা এসসির জন্য কোটা এই সরকার কোটার সঙ্গে সেই কোটার রেজাল্ট আনতে চায় আগে কোটা ফিক্স থাকতো কিন্তু সেই কোটা যেতে পারত না আজকের যে গভর্নমেন্ট সেটা কোটায় বিশ্বাস করে না কোটার সঙ্গে ইমপ্লিমেন্ট আর তাকে সেই সুবিধা দিয়ে পৌঁছে দেওয়া যেমন আগে সরকার ছিল সেখানে কেন্দ্রে যাই ছিল যা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বা নবোদয় বিদ্যালয় বা একলব্য বিদ্যালয় প্যাটার্ন আলাদা ছিল এখন নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে চলছে অর্জুন মুন্ডা জি মন্ত্রী আছেন তো সেখানে ফুললি রেজিডেন্সিয়াল করে তার মধ্যে নবোদয় বিদ্যালয়ের মতো ফ্যাসিলিটেট করে দেওয়া হয়েছে তো মানে কনক্রিট তার জীবন মানকে তৈরি করে দেওয়া সেটাই প্রমাণিত নিশ্চিত এতে লাভবান চলো ধন্যবাদ দেখিয়ে সুবে আমার মিনিস্টার অফ স্টেট কালচারাল কালচার আয়া থা तो अर्जुन मेघवाल जी से मेरे लंबी चर्चा हुई है और विशेष करके त्रिपुरा के जो ऊनकोटी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है तो उसका डेवलप करने के लिए जब जाते हैं तो उसमें पाबंदी है क्योंकि आप
उनके परमिशन के बिना नहीं कर सकते। मैंने आज उनसे वही विनती की है, मुझे पूरा विश्वास है अर्जुन मेघवाल जी के ऊपर जो ये काम बहुत कम समय में होगी, जो यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस बैठाना है परमानेंट, जो कि त्रिपुरा में नहीं है। 2020 में मैंने तत्कालीन मंत्री को लेटर लिखा था किंतु अभी तक हुई नहीं। जो नॉर्थ ईस्ट में जो 8 जो स्थान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, इनमें से 7 त्रिपुरा में, ऑफिस बना हुआ मिजोरम में, मैं वो नहीं कहता हूँ। तो जहाँ ज़्यादा है वहाँ रखना चाहिए। तो आज मैंने वही डिमांड किया जो मैंने पहले पत्राचार किया है, आप ऑफिस को हिलाइए और मेरे उनुकुटी को आप डेवलप करिए, और उनुकुटी में पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग आना चाहते हैं, उसको आने दीजिए। और हमारे त्रिपुरश्री मंदिर में भी उन्होंने दिया है, प्रसाद स्कीम ने 35 करोड़ के आसपास दिया हुआ है, टेंडर हो चुके, काम चालू हो जाएगा अभी। और बाकी सब जो हमारा निर्महल है, तो उन्होंने निर्महल के बारे में बोले वहाँ साइड में आप 5-star होटल क्यों नहीं बनाते। तो इनके अंदर वो सोच है कि त्रिपुरा में टूरिज्म में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें रोजगार सिर्फ त्रिपुरा के लोगों को नहीं। मैं आज एक दिवसीय दौरा कर यहाँ आया हूँ, और मैं यहाँ आकर के जो अनुभव किया है कि यहाँ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार द्रुत गति से लोगों को कैसे सुविधा मिले इसका पूरा ध्यान रख करके लगातार विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। इसलिए मैं निश्चित रूप से इसके लिए बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, उस विज़न के अनुसार इस राज्य को हमारे मंत्रालय के द्वारा जितना अधिक से अधिक ऐसे क्षेत्रों के लिए विकासात्मक कार्यक्रम को सही ढंग से गति देने के दृष्टि से सहयोग मिले, ये आज हमने बातचीत भी किया है और हमने ऐसे कई योजनाओं को स्वीकृत भी किया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ के मंत्री ने कुछ विषयों को और लाया है, उसको भी हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे अभी हमने लगभग इन 2 वर्षों की जो कार्य योजना में यदि आप देखेंगे तो अभी लगभग 15 ऐसे एकलव्य आदर्श मॉडल स्कूल जो है बनने के लिए तैयार हो रहा है, और सब जगह कई जगहों में कार्य प्रारंभ हो गया है। तो इससे त्रिपुरा को बहुत लाभ मिलेगा, उन सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जो ट्राइबल गर्ल्स एंड बॉयज स्टूडेंट्स हैं उसको काफ़ी लाभ होगा। और ये इस राज्य के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े आवश्यकता को पूरा करेगा। तो इन सारे कार्यों को जहाँ ज़मीन की आवश्यकता है वहाँ बहुत अच्छे ढंग से राज्य सरकार इस कार्य में लगी हुई है। और मैं अभी उस फील्ड विजिट करके आया, वहाँ पर भी देखा कि कार्य बहुत प्रगति पर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत समय पर यह सारी चीज़ें पूरी हो जाने के बाद राज्य बना देंगे। हमने एक कार्य योजना बनाया है जो बंधन केंद्र का, मैंने कुछ बंधन केंद्र के महिलाओं से इंटरेक्ट किया, मिला, उनके प्रोडक्ट को देखा। बैम्बो के ऊपर में बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पर, और बहुत सारे उत्पाद उस पर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा फूड सप्लीमेंट में यहाँ हर्बल में बहुत पोटेंशियल है, उसके बारे में लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री उन सारे चीज़ों को गति दे रहे हैं, विभाग के मंत्री उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी एक महत्वाकांक्षी योजना है प्राइम मिनिस्टर का, और उसमें हमारा पूरा सपोर्ट है। अभी एक नई योजना प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना पर हम कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं, और स्टेट के साथ इंटरेक्ट करते हुए उनके इनपुट्स को भी ले रहे हैं, जिससे जितने भी हमारे स्टेट कंपोनेंट का जो पैसा गांव के लिए भेजा जाता है भारत सरकार के माध्यम से, उन विभागों का पैसा सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो और उसको एक आदर्श यानी मॉडल विलेज कैसे बनाया जाए, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई। और मैं प्रधानमंत्री जी को अवगत कराऊँगा इस चीज़ों के बारे में जो यहाँ पर सब चीज़ें होंगी। सर त्रिपुरा सरकार ने भी बहुत योजना आ रही है, देखिए
के विकास के जो भी योजना है वो सारे अच्छे योजना होते हैं, लोगों का लाभकारी योजना है। और ये सरकार का जो इनिशिएटिव है इनोवेटिव आइडिया के ऊपर में, तो वो बहुत अच्छा है।